हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। आज रेसिपी होगा अंडा का साथ रोटी ऐड करके कैसे बनाया जाता है और अंडा रोटी खाने का मजा ही कुछ और है मेरा फ्रेंड्स। क्यों ना एक दिन हमेशा जो रेसिपी है वो खाने का बोर हो जाता है ना, सो अलग अलग करके आप लोग को खाना खाना चाहिए और अलग अलग करके बना के खाना चाहिए मेरा फ्रेंड्स। और आज जो रेसिपी है रोटी और अंडा रेसिपी कैसे बनाया जाता है, सो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा और मेरा जो बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल करके रखिएगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आप लोगों के पास जल्दी पहुँचेगा मेरा फ्रेंड्स। सो आइए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गैस को ऑन करना है आप लोग को। ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर लिया, उसके बाद आलू और अंडे को बॉयल करना है सबसे पहले। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, आलू और अंडे को सबसे पहले आप लोगों को बॉईल करना है। बॉईल करने का बाद ये देखिए मैंने बैठा दिया, अभी पानी ऐड करना है आप लोगों को। पानी ऐड करने का बाद आप लोगों को ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए आप लोगों को पकाना है। ये देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया मेरा फ्रेंड्स, मैंने पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद आप लोग को 10 मिनट आप लोग को आलू को उबलना है, आलू और अंडे को बढ़िया से उबलना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया और मेरा जो रेसिपी है अभी होने वाला है। और आलू पका कि नहीं पका आप लोग को देखना है। ये देखिए मेरा पक के रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स, अभी पानी को निकल के रखना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पानी को निकल दिया और अभी साथ साथ आप लोग को ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। ठंडा पानी ऐड करने से अंडा का छिलका आप लोग को सिलने के लिए दिक्कत होगा मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है, 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया, ठंडी हो गया, उसके बाद मैंने छिला अंडे को छिल दिया। देखिए मेरा फ्रेंड्स ये कितना अच्छी तरह से छिला है, आप लोग को भी ऐसे करना है। अंडे बॉल देखिए मसाला मैंने रेडी कर दिया मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए प्याज टमाटर अदरक रसुन और धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला मिर्चा पाउडर मैंने सब ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या क्या मसाला यूज़ कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को गैस को ऑन करना है। गैस को ऑन करने के बाद आप लोग ऐसे सॉसपैन ऐसे एक तो कढ़ाई बैठाना है, मैंने एक तो कढ़ाई बैठा दिया। कढ़ाई बैठाने के बाद आप लोग को गर्म होने के लिए दिया है, गर्म हो गया मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल ऐड करने के बाद आप लोगों को ऑयल को गर्म होने के लिए दीजिएगा। ठीक है मेरा फ्रेंड्स, ऑयल को गर्म होने के लिए जो अंडा मैंने बॉईल करके रखा था वो अंडा को आप लोगों को बढ़िया से फ्राई करना है सबसे पहले। ये देखिए सबसे पहले अंडे को फ्राई करना है। अंडा फ्राई होने के बाद आप लोगों को बाहर निकालना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए ज़्यादा स्टीम पर आप लोग फ्राई मत कीजिएगा, नहीं तो अंडा तो जल जाएगा। सो आप लोग को हल्का फ्राई पे आप लोग को निकालना है बाहर। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स अभी मेरा अंडा पकने वाला है, अभी मैं बाहर निकाल दूंगी। देखिए मैंने बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अभी तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर ऐड कर रहा हूँ मेरा फ्रेंड्स। जीरा पाउडर ऐड करने के बाद आप लोग को जीरा पाउडर को पकने के लिए दीजिएगा। जब ब्राउन कलर आ जाएगा उसके बाद आप लोग को प्याज ऐड करना है। ये देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया और प्याज को भी अच्छी तरह से भूनना है। प्याज ब्राउन कलर जब आ जाएगा उसके बाद आप लोग को अदरक रसुन ऐड करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने प्याज को बढ़िया से भून रहा हूँ और आप लोग को भी ऐसे भूनना है प्याज को, ऑनियन भी बोला जाता है मेरा फ्रेंड्स और मैं प्याज बोलता हूँ। सो ऑनियन को अच्छी तरह से भूनना है मेरा फ्रेंड्स। मेरा ऑनियन ब्राउन कलर हो गया है, उसके बाद आप लोग को अदरक रसुन ऐड करना है। मैंने अदरक रसुन भी ऐड कर दिया मेरा फ्रेंड्स और अभी बढ़िया से फ्राई करना है। ये देखिए बढ़िया से फ्राई करना है मेरा फ्रेंड्स। फ्राई करने के बाद आप लोग को जो मैंने टमाटर काट के रखा था वो टमाटर को ऐड करना है मेरा फ्रेंड्स।
ये देखिए मैंने टोमेटो का ऐड कर दिया, ये देखिए मेरे फ्रेंड्स टोमेटो का मैंने ऐड कर दिया। टोमेटो ऐड करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार आप लोगों को नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद आप लोगों को बढ़िया से मिक्स करना है। नमक ऐड करने से आप लोग को जो टोमेटो है ना बढ़िया से गल जाता है, सो इसलिए आप लोग को सबसे पहले नमक ऐड करना है टोमेटो पर। अभी जितना मैंने जीरा गरम मसाला जितना मैंने रखा था वो मसाला भी ऐड करना है मेरे फ्रेंड। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर रहा हूँ, हल्दी पाउडर ऐड करके आप लोग को भूनना है। ये देखिए मेरा फ्रेंड हल्दी पाउडर भी अच्छी तरह से पक गया है और टोमेटो भी मेरा पक के रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स। सो अभी जितना मैंने मसाला रखा था वो मसाला को ऐड करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने पानी में मिक्स करके रखा था वो मसाला मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स बढ़िया से फ्राई करना है। मेरा फ्राई होकर रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स। अभी जो मैंने आलू को उबल के रखा था वो आलू को मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए आलू को ऐड कर दिया मेरा फ्रेंड्स। आलू जितना मीठा होगा उतना अच्छी खाने के लिए स्वाद होगा मेरा फ्रेंड्स, टेस्टी होगा। सो आलू को बढ़िया से भूनना है, दो या तीन मिनट आप लोग को आलू को भूनना है। आलू भूनने के बाद आप लोग को गर्म पानी ऐड करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए बड़े से फ्राई करना है, जितना अच्छी तरह से फ्राई करेगा उतना आप लोग को खाने के लिए स्वाद होगा मेरे फ्रेंड्स। देखिए अभी मेरा फ्राई होके रेडी हो गया। अभी मैंने गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ, देखिए मेरा फ्रेंड्स गर्म पानी आप लोग को ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा, गर्म पानी आप लोग को ऐड करना है। ये देखिए मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया, अभी बढ़िया से 5 मिनट आप लोग को उबल आने के लिए देना है, 5 मिनट आप लोग को उबल आने के लिए देना है। ये देखिए मेरा रेडी हो गया, अभी ढक्कन लगा के मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया हूँ मेरा पास। अभी देखिए अंडे को आप लोग को दो फल करके रखना है, दो फल करके रखना है आप लोग। ये देखिए, ये देखिए मैंने दो फल करके रख दिया। अभी जो आलू को मैं देख रहा हूँ, देखिए उबल अच्छी तरह से उबल आ गया है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मीठी पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, मीठी पाउडर ऐड करने से बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। जो भी रेसिपी है आप लोग को मीठी पाउडर ऐड करना चाहिए। और काला मिर्च का पाउडर थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए काला मिर्च का पाउडर भी आप लोग को थोड़ा सा ऐड करना है। ये देखिए अच्छी तरह से आप लोग को मिक्स करना है। अभी मेरा आलू दम रेडी हो गया है मेरा फ्रेंड्स, आलू का झोल मेरा रेडी हो गया है, आलू का झोल। और अभी जो मैंने अंडे को काट के रखा था वो अंडे को आप लोग मिक्स करना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने अंडे को मिक्स कर दिया, ये देखिए ऐसे आप लोग को काट के देने से बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। अभी 5 मिनट के लिए आप लोग को ढक्कन लगाना है। ये देखिए मेरा अभी रेसिपी रेडी हो गया मेरा फ्रेंड्स, आलू जो अंडे मिला के बनाया था वो रेसिपी मेरा रेडी हो गया है। और अभी रोटी बनाना है, ठीक है। ये देखिए मेरा रेडी हो गया है, ये देखिए अभी मैंने आटा लिया है, ये देखिए 1/2 किलो मैंने आटा लिया है और मैंने बटर लिया है। और आटा पर बटर यूज़ करना है आप लोग को, ये देखिए आटा पर बटर यूज़ करने से रोटी नरम होता है और खाने के लिए भी स्वाद होता है मेरे फ्रेंड्स। ये देखिए आटा पर बटर मिक्स करना, थोड़ा सा मैंने नमक यूज़ कर रहा हूँ, स्वाद अनुसार आप लोग को नमक भी यूज़ करना है। ये देखिए और बटर को गलने के लिए थोड़ा सा आप लोग को गर्म पानी देना है, मैंने गर्म पानी दे दिया मेरा फ्रेंड्स। अभी बटर गल जाएगा मेरा फ्रेंड्स, ये देखिए बटर गल गया है ना। सो अभी हल्का गर्म पानी से आप लोग को आटा को मारना है। ये देखिए मैंने नमक और बटर यूज़ किया है। सो आप लोग को भी ऐसे रोटी बना के बहुत खाना चाहिए मेरा फ्रेंड्स, और बहुत स्वाद होता है। ये देखिए अभी आप लोग को मार के
5 मिनट के लिए आप लोग को ढक्कन लगा के रखना है मेरा फ्रेंड्स। आटा को बढ़िया से 5 मिनट के लिए आप लोग को ढक्कन लगा के रखना है, तब बढ़िया से मेजरमेंट हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए अभी आप लोग को 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रखना है। देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया, 5 मिनट के लिए आप लोग को रखना है। सो अभी देखिए मेरा रेडी हो गया है। सो अभी आटा को गोली काटना है, जितना साइज सही है उतना साइज आप लोग को गोली काट के लेना है। देखिए मेरा फ्रेंड्स ऐसे आप लोग को रोटी बना के खाना चाहिए, और ऐसी रोटी खाने से बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। जो घर का बच्चा हो, अगर आयता काका हो, जो बूढ़ा आदमी हो, सो वो भी खा सकता है, बहुत स्वाद होता है मेरा फ्रेंड्स। सो आप लोग भी जरूर ट्राई करना है ये रेसिपी। ये देखिए क्यों ना, हर दिन एक ही खाना खा के बोर हो जाता है आदमी, सो अलग अलग करके खाना बना के खाना चाहिए। ठीक है मेरा फ्रेंड्स, अलग अलग खाना बना के खाना चाहिए, क्यों ना तब अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा बटर यूज़ करना है आप लोग को। ये देखिए मैंने बटर लिया है, और बटर लगा के आप लोग को रोटी को बेलना है। ठीक है मेरा फ्रेंड्स, बटर लगा के आप लोग को रोटी को बेलना है। ये देखिए मैंने बटर लगा दिया। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, मेरा आलू भी करी रेडी हो गया है, और अभी रोटी भी रेडी होगा। ये देखिए इसी तरह से आप लोग को मिक्स करना है बटर को। बटर मिक्स होने के बाद आप लोग को बढ़िया से रोटी बेलना है। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, अभी रोटी को बेलना है मेरा फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा बटर लगा के आप लोग को बेलना है। ये देखिए मैंने बेल लिया, और मैंने तवा बैठा के अभी रोटी को सेकना है मेरा फ्रेंड्स। सो आप लोगों को भी एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राई करना है। और ये रोटी का साथ अंडा चूल जो है ना, खाने का मजा कुछ और है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए तवा को ऑन कर दिया, मैंने तवा बैठा दिया गैस को ऑन करके। गैस ऑन करके मैंने तवा बैठा दिया, अभी तवा को गर्म होने के लिए दिन देना है। मेरा तवा गर्म हो गया मेरा फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा बटर लगाना है। ये देखिए आप लोगों को थोड़ा सा बटर लगाना है, और बटर लगाने के बाद आप लोगों को रोटी को छोड़ना है। ये देखिए मैंने रोटी को छोड़ दिया, अभी बढ़िया से आप लोगों को पकाना है रोटी को। ये देखिए इसे एक तो पलटा लेना है, और पलटा लेके आप लोगों को बढ़िया से रोटी को पकाना है मेरा फ्रेंड्स। एक तरफ अच्छी तरह से पकने के लिए दीजिएगा, फिर दूसरा तरफ आप लोगों को पलटी करना है। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, और बहुत टेस्टी हुआ है ये रेसिपी, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरा फ्रेंड्स। देखिए मैंने टाइम पर वीडियो देने नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी था। सो अभी से मैं टाइम पर वीडियो दूंगी आप लोग के लिए। सो आप लोग को देखना है मेरा फ्रेंड्स, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। अगर वीडियो में कुछ खराबी है, वीडियो में कुछ कमी है, मुझे कमेंट करके बोलना है मेरा फ्रेंड्स। क्यों ना मैं आसामीस हूँ, थोड़ा हिंदी बोलने के थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे पकाना है रोटी को, और थोड़ा थोड़ा आप लोग को बटर भी लगाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोग को बटर लगाने से रोटी उसका देखने के लिए भी सुंदर होगा, और खाने के लिए भी स्वाद होगा मेरा फ्रेंड्स। जो भी रेसिपी बनाओ, स्वाद बनाओ, तब देखने वाला आदमी वो वीडियो जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आपका वीडियो देख के जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेगा। ठीक है मेरा फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा रोटी रेडी हो गया है। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स कितना अच्छा हुआ है रोटी का कलर। सो आज का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बोलना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए अंडा का साथ रोटी, और बहुत स्वादिष्ट हुआ है खाते, और बहुत टेस्टी हुआ है मेरा फ्रेंड्स। सो अगर आप लोग को कुछ कमी है मुझे कमेंट करके बोलना है मेरा फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।